हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडिया क्लब में। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन के कुछ ट्रिक्स बताए थे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या फ्री रेडिकल वाले केसेस में आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्री रेडिकल वाले केसेस के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे कि NO2, ClO2, CH3, CF3 एंड ClO3। फ्रेंड्स, इन केसेस को स्टडी करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इन केसेस में डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ केसेस में आंसर सही मिलेंगे और कुछ केसेस में आंसर गलत मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये देखें कि आखिर इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ी क्यों। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर आपको इन केसेस को अलग से स्टडी करने की या फिर नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो फिर चलिए मैं इन्हीं में से कोई एग्जांपल लेती हूँ। लेट इट बी CH3। फ्रेंड्स, जब आप CH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके से रहता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आप लिखते हैं वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। फ्रेंड्स, जब लोन पेयर लिखने की बारी आती है तब आप फ्रेंड्स यहाँ पे फंस जाते हैं कि आप लोन पेयर ये वाला कंसीडर करें या ना करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं वो केस लेके चलती हूँ जिसमें आपने इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, लोन पेयर 0, इट इज 3 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इन केसेस के जितने भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो बॉन्ड एंगल के बेसिस पे निकाले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये बॉन्ड एंगल आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है जो पहले से ही कैलकुलेटेड है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली आता है वो 120 डिग्री के अराउंड होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो रिपोर्ट किया जाता है वो sp2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें कि आपने जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला है वो भी sp2 है, और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन जो इसका रियल होता है वो भी sp2 है। फ्रेंड्स, ये बॉन्ड एंगल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये चेक करने के लिए लिख रही हूँ कि हमने जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला है वो सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो हमने हाइब्रिडाइजेशन सही निकाल लिया। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें जैसे CF3, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फ्रेंड, इसके भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे सेम जैसे जैसा लिखा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहां पे सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर, जैसे कि मैंने बताया है कि आपको इसके ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं करना है, तो लोन पेयर 0 है, यहां भी 3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। फिर से मैं आपको बता दूं कि इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो लेस देन 109.5 डिग्री होता है, विच इज वेरी क्लोज टू 109.5 डिग्री। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को जब हम लोग लिखते हैं तो वो sp3 आता है, जो कि बॉन्ड एंगल के बेसिस पे रिपोर्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहां आप देख रहे हैं कि यहां पे आपने जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला है वो गलत निकाला है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जिनके थ्रू आप इसके हाइब्रिडाइजेशन को सही निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट है, इफ सेंट्रल स्पीसीज हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर और बोथ, देन ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नॉट मिक्स अप इन द हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। इसके अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल स्पीसीज के पास आपको कोई भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या दोनों दिखता है तो तब आपको इसके ऑर्बिटल को, मीन्स ऑड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रिसाइड करता है
उसको आपको हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं करना है। फ्रेंड्स आई होप कि आप ये स्टेटमेंट समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि इफ सेंट्रल स्पीसीज हैव पॉजिटिव चार्ज देन देयर इज चांस ऑफ मिक्सिंग। फ्रेंड्स सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि अगर आपके सेंट्रल स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आपको दिखता है तब आपको इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स करना है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था कि अगर आपको सेंट्रल स्पीसीज के ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या दोनों में से कोई एक दिखता है या दोनों दिखता है तब आपको इसके ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं करना है, और अगर आपको इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखता है तब आपको उसके हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन एकदम सही आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगर आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप इन कॉन्सेप्ट्स को आप क्वेश्चंस में अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स अगर आप देखें एग्जाम्पल जैसे कि ClO2, फ्रेंड्स ClO2 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट होता है ऑक्सीजन के साथ, इसके पास इसका लोन पेयर भी होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑर्बिटल में। फिर ClO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है। फिर अब आप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताया है उस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखें। फिर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन, क्योंकि फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन का अगर लिखेंगे तो वो होता है 3.5, और अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन लिखेंगे वो होता है 3.1। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन। तो फ्रेंड्स चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो चार्ज क्रिएट होगा वो होगा डेल पॉजिटिव। फ्रेंड्स क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर जो है वो चार्ज की डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लोन पेयर भी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दोनों स्टेटमेंट आपको कहीं देखने मिल जाता है तो आपको प्रायोरिटी सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने बताया था फ्रेंड्स कि इफ सेंट्रल स्पीसीज हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो लोन पेयर है तो आपको इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं करना है। तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल जो लिखेंगे वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 2 एंड लोन पेयर इज 1। फ्रेंड्स मैंने बताया आपको स्टेटमेंट 1 में कि इफ सेंट्रल स्पीसीज हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर और बोथ देन ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नॉट मिक्स अप इन द हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स मैंने सेम वो कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई किया है, मैंने यहाँ पे लोन पेयर देखा कि यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है तो मैंने इसके ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं किया, मैंने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लिखा और लोन पेयर लिखा और उसको मैंने टोटल किया वो 3 आया। तो यहाँ से हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp2। फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू आता है ये कैलकुलेटेड 118 डिग्री होता है, फ्रेंड्स विच इज वेरी क्लोज टू 120 डिग्री। इसके हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग लिखते हैं sp2। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हाइब्रिडाइजेशन एकदम सही मिल रहा है। फ्रेंड्स अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें जैसे कि NO2, अगर आप NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का मिलेगा, फिर आप देख रहे हैं। तो हाइब्रिड और ऑर्बिटल अगर आप इसका लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि कोई चार्ज सेंट्रल स्पीसीज पे आ रहा है या नहीं। तो फिर जैसे इस केस में भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स सेम होगा जैसे कि थर्ड केस में मैंने बताया था, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो आया लेकिन इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है या फिर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट को मेरे कंसिडर करना है जो मैंने बोला था
कि इफ सेंट्रल स्पीसीज हैव पॉजिटिव चार्ज देन देयर इज चांस ऑफ मिक्सिंग। तो फ्रेंड्स ये सेम यहाँ पे हो रहा है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स करना है। तो यहाँ जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे तो वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा जो कि दो है और प्लस एक लोन पेयर, तो इसके पास जीरो है लेकिन आप प्लस वन इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसके ऑर्बिटल को आपने हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स किया है। तो यहाँ आपका आएगा थ्री, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका जो बॉन्ड एंगल कैलकुलेटेड होता है वो 132 डिग्री टू 134 डिग्री के अबाउट होता है अप्रोक्स, विच इज अगेन वेरी क्लोज टू 120 डिग्री। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp2। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है वो एकदम सही है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आप किस तरीके से, अगर आप कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे अगर आप ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाले केसेस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर हर केस में आपको सही मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जितना भी चीज बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के कुछ स्पेशल केसेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।